अकोला में उर्दू टीचर संगठन द्वारा आयोजित शैक्षणिक सेमिनार कई मुद्दों पर चर्चा के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सेमिनार में भविष्य में शिक्षकों के लिए कई प्रकार की योजनाओं पर काम करने और शिक्षकों पर किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ एकजुटता के साथ देने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में अकोला के कई मान्यवर मंच पर उपस्थित रहे। उर्दू टीचर संगठन के कार्यों की प्रशंसा करते हुए हर कार्य में उनके साथ हमेशा खड़े रहने का आश्वासन बुद्धिजीवियों ने दिया। इसी के साथ उर्दू टीचर संगठन UTS की नई कार्यकारिणी की भी घोषणा सेमिनार के माध्यम से की गई, जिसमें जिले में 100 से अधिक पुरुष सहित 2 महिला शिक्षकों की भी नियुक्ति सेमिनार के माध्यम से की गई। जिला अध्यक्ष पद पर अंसार अहमद खान को तो वहीं शहर के अध्यक्ष पद पर तस्कीन इकबाल की नियुक्ति की गई। इस सेमिनार को सफल बनाने और कार्यकारिणी घोषित करने में सबसे बड़ा योगदान उर्दू टीचर संगठन अमरावती विभाग अध्यक्ष डॉक्टर साबिर कलाम, सचिव डॉक्टर अतीक अहमद, उपाध्यक्ष हसन कामन वाले व फैयाज खान अंसार ने निभाई। तो इस सेमिनार में 300 से अधिक महिला व पुरुष शिक्षकों ने सहभाग किया। सेमिनार के अंत में आए हुए सभी अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी UTS के माध्यम से की गई थी। का जो ये प्रोग्राम UTA का हुआ है, UTS का ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है और इसके अंदर जो तमाम उर्दू के मसाइल, टीचरों के जो मसाइल है, ये संगठन बहुत अच्छे से उसको हुकूमत के सामने पेश कर रही है और मैं इनसे और दरख्वास्त करूँगा कि इन्हें जहाँ भी हमारी मदद लगे हम इनकी मदद करने तैयार। बोलिए, आज उर्दू टीचर्स संगठन की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 जिलों से लगभग 100-150 टीचर्स यहाँ पे आए हैं और इतने परिवारों पर का इन्वॉल्वमेंट साथ में जो उन्होंने शुरू किया है, ये जो सोच है, ये सोच आगे जाकर और बड़ी की जाए और इसको हम और बड़े लेवल पर करें और आने वाले वक्त में उनको जिस जिस किस्म की मदद लगी तो मदद करने के लिए हम लोग सब उनके साथ करें। शुक्रिया। इस साल भी उर्दू टीचर संगठन की एक सेमिनार अब्दुल हक फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 200-250 टीचर्स आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पर शहर अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की, तालुका अध्यक्ष की नियुक्ति दी है। सब लोगों ने वादा किया है कि हम उर्दू टीचर संगठनों को और मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फयाज सर जो शिक्षक अघाड़ी के, वो हमारे साथ में आ गए। बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत सारा ताउन किया है। हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि उर्दू टीचर संगठन के जब जब प्रोग्राम होंगे तमाम असातिज़ा हज़रात हमारे साथ में रहेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। उर्दू शिक्षक संगठन का उद्देश्य क्या है? उर्दू टीचर संगठन का उद्देश्य यह है कि ये संगठन इसलिए बनाई गई है कि जो टीचर्स हज़रात पर, ख़ास तौर से उर्दू मौलवी व उर्दू मौलमात पर गवर्नमेंट की तरफ से जो जुल्म होते हैं या फिर उनके लिए नाइंसाफ़ी होती है, उनको इंसाफ दिलाना, उनके मसाइल को दूर करना, ये उर्दू टीचर संगठन का जुल्म किस प्रकार का मतलब यह है कि जैसे अभी देखिए आपको एक बात बता दूं कि आज से पहले उर्दू टीचर संगठन के इसके अंदर अमल लेने से पहले तमाम ट्रेनिंग्स जो है तो मराठी मीडियम उसके RPS होते थे, मराठी मीडियम के टीचर्स। उर्दू टीचर संगठन ने उसके अंदर पहल की, तमाम ट्रेनिंगें जो है तो उर्दू में होने लगी। एक कैंपस के अंदर, एक हॉल के अंदर, अकोला के अंदर 95 टीचर्स एक साथ बैठकर तालीम हासिल करते हैं और उनके RPs भी जो है तो उर्दू मीडियम के रहते हैं। ये उर्दू टीचर संगठन का बहुत